एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी के मन में अभी एक सवाल है कि मेरे को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे पास कई स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, मैं कमेंट में भी देखता हूँ कि भैया मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरी इतनी रैंक है, मेरी ये कैटेगरी है, तो क्या मुझे गवर्नमेंट BMS कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, EWS कैटेगरी के हो, OBC के हो, SC के हो या ST कैटेगरी के हो, आज के बाद आपका यह डाउट नहीं रहेगा कि मेरे को गवर्नमेंट BMS कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट के लिए तो आपको क्या करना है, सिर्फ जस्ट क्वालिफाइड होना है, ठीक है। तो मैं प्राइवेट की तो नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं प्राइवेट के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में मेरे को बता देना कि प्राइवेट कॉलेज की भी एक एग्जैक्ट कट ऑफ हमको बता दीजिए, जो टॉप के कॉलेजेस हैं। छोटा मोटा कॉलेज तो आपको ऐसा ही मिल जाएगा, लेकिन जो टॉप के कॉलेजेस है उसकी थोड़ी हाई कट ऑफ जाती है, तो अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो एग्जैक्ट बात करेंगे कि गवर्नमेंट BMS कॉलेजेस की क्या कट ऑफ जाने वाली है। वैसे ही मैं एक वीडियो BHMS के लिए अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो आज आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको 17 जगह 17 YouTube चैनल पे भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जो कट ऑफ लाता हूँ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाता हूँ, वो एकदम डिटेल एनालिसिस करके लाता हूँ। मैं हवा में बात नहीं करता बाकी यूट्यूबर्स की तरह। आप देखना ये वीडियो का बस एंड तक देखिए, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इस बार कट ऑफ जो है वो हाई जाने वाली है। आपने अभी तक यही सुना है कि इस बार कट ऑफ हाई जा रही है, हाई जा रही है, हाई जा रही है, लेकिन आज मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा, उसके आसपास ही, जो मैं आपको बताऊंगा उसके आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है, और कट ऑफ हाई क्यों जा रही है इसका भी मैं आपको क्या बताऊंगा, रीजन बताऊंगा। और ये जो मैं कट ऑफ किस बेसिस पर बता रहा हूँ, तो आप सभी को पता है कि MPDMA की जो काउंसलिंग है, जो MBBS और BDS कोर्सेज के लिए MP में कराई जाती है, तो वो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, और उसका फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट जो है वो भी अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो वो जो मेरिट लिस्ट आई है उसको मैं डिटेल एनालिसिस किया लास्ट ईयर के कंपैरिजन से, ठीक है। और लास्ट ईयर MPDMA की जितने भी प्राइवेट MBBS के क्या कट ऑफ रही थी, तो वो कट ऑफ को भी मैंने डिटेल एनालिसिस किया। जैसे कि आप सभी को पता है कि MP में क्या होता है, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लो तो आपको फुल स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो MP में क्या होता है, बच्चा ज़्यादा सोचता नहीं है, अगर उसको स्कॉलरशिप, अगर वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है तो वो प्राइवेट MBBS कॉलेज भी ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर MP में जो प्राइवेट MBBS की जो कट ऑफ है वो मायने रखती है, ठीक है। तो मैक्सिमम को तो क्या होती है, यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल ही जाती है, तो प्राइवेट कॉलेज मैक्सिमम स्टूडेंट ले लेते हैं। फिर जिसको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, BMS की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो इसलिए MP की जो प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ होती है वो यहाँ पर मायने रखती है। तो लास्ट ईयर MPDMA की प्राइवेट MBBS कॉलेज की क्या कट ऑफ रही थी, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और उस कट ऑफ पर, मतलब लास्ट ईयर जो मार्क्स था उस मार्क्स पर क्या रैंक थी, और इस बार उस रैंक पर क्या मार्क्स हैं। बहुत ज्यादा कट ऑफ पड़ा है यहाँ पर। अगर लास्ट ईयर प्राइवेट MBBS कॉलेज जिस रैंक पर मिला था, अगर उस, मान लो उस रैंक पर मार्क्स था लास्ट ईयर 464, तो इस साल उसी रैंक पर जो मार्क्स है वो कितना है, 560 है। मतलब यहाँ पर 100 नंबर का डिफरेंस है। तो आज मैं आपको एकदम डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा, ठीक है, लास्ट ईयर प्राइवेट MBBS कॉलेज की क्या कट ऑफ रही थी। क्योंकि मैंने बोला ना, प्राइवेट MBBS की कट ऑफ जो होती है MP में मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो अगर उनको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो वो ले लेते हैं, नहीं मिलता है तो वो फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट BMS की तरफ मूव करते हैं। तो मैं उसको कंपेयर करूंगा, है ना। और हर बार ये होता है कि लास्ट ईयर जो MPDMA की प्राइवेट MBBS की कट ऑफ जाती है, तो उससे 30 से 40 नंबर कम कर लो तो वो गवर्नमेंट BMS की क्या होती, कट ऑफ हो जाती है। तो लास्ट ईयर मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं प्राइवेट MBBS की क्या कट ऑफ रही थी, वो मैं आपको बताऊंगा, और इस साल उस रैंक पर क्या मार्क्स है, ठीक है। तो उस मार्क्स से हम क्या करेंगे, 30 से 40 नंबर कम कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, गवर्नमेंट BMS की कट ऑफ आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा। अभी मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ कि कट ऑफ जो कितने जाने वाली है और क्या एग्जैक्ट रहने वाली है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको ये पता चल जाता है कि MP में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग का जो कट ऑफ होता है एक दो ही चीज पर डिपेंड करता है, एक तो सीट पर और दूसरा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा, हालांकि ये तो पता है कि ये तो हमको पता है कि एग्जैक्ट डाटा नहीं पता चलेगा कि आयुष काउंसलिंग में भी इतने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन हमको एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि देखो जो एमपी डीएम की काउंसलिंग कराते हैं तो जिनको प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस कॉलेज मिल जाता है वो तो चले जाते हैं, लेकिन बाकी के जो बचते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, तो वो आयुष की काउंसलिंग कराते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि एमपी आयुष काउंसलिंग में भी इस साल कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अभी मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, तो हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। आज मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा, एक्सपेक्टेड स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो को सुनना है ना, और मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा क्या कट ऑफ रहने वाली है। उसके आसपास अगर आपका कट ऑफ है तो आप सेफ जोन में है, आपको इस साल कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को देखिए, साथ में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक वीडियो मिलेगी और यहाँ पर राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं यहाँ पर हवा में बात नहीं करता, मैं एकदम डिटेल एनालिसिस करता हूँ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी एनालिसिस करके कुछ भी बात करता हूँ यूट्यूब पर, मतलब यूट्यूब पर आने से पहले मैं पहले अपना खुद का एक दिमाग लगाता हूँ कि क्या कट ऑफ जाने वाली है, पूरा एनालिसिस करता हूँ इसका मतलब, ठीक है। तो डिटेल एनालिसिस करके मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बताऊंगा, और जितनी भी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं डिटेल एनालिसिस करके एकदम आपको राइट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एमपी डीएमए की बात करते हैं, एमपी डीएमए की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसकी मेरिट रैंक जो है वो अपलोड कर दी गई है, तो उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि एमपी में काउंसलिंग कराने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो अगर मैं इस साल बात करूं, इस साल एमपी डीएमए में टोटल स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट किए हैं एमपी डीएमए की काउंसलिंग में वो कितने किए हैं, टोटल 14,113। अगर मैं एमपी डीएमए की काउंसलिंग की 2023 की बात करूँ तो 2023 में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, तो 2023 में 10,983 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। तो आप देख सकते हैं, अगर हम 2023 और 2024 में अगर हम कैंडिडेट डिफरेंस की बात करें तो इस साल टोटल लगभग कितने, लगभग 4,500, लगभग 4,500 स्टूडेंट इस बार क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। कितने बढ़ गए हैं इस बार, लगभग 4,500 कैंडिडेट बढ़ गए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि क्या होता है कट ऑफ जो होती है किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर, और दूसरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सीट्स पर। तो लास्ट ईयर कितने थे, 10,983 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे एमपी के डीएमए काउंसलिंग में। वही अगर हम इस साल बात करें तो 14,113, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया, लगभग 4,500 स्टूडेंट बढ़ गए हैं। और आपको बता दूं कि इतने स्टूडेंट्स तो एमपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो लगभग 4,700 स्टूडेंट्स एमपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे। तो आप देखिए, जितने स्टूडेंट एमपी आयुष काउंसलिंग में हर साल पार्टिसिपेट करते हैं उतने स्टूडेंट तो एमपी में बढ़ गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ हाई जाएगी। और दूसरा अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की, तो अगर मैं प्राइवेट एमबीबीएस और गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट की बात करूं एमपी में, तो लास्ट ईयर जो सीट्स थी वो कितनी थी, 3,402। इस साल सीट कितनी है, 3,643। तो यहाँ पर देखिए आप, टोटल डिफरेंस कितना है, करीबन 250 सीट बढ़ी है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, आप देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने सारे बढ़े हुए और सीट तो 250, तो एकदम नेग्लिजिबल आप मान लो एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने से इतना ज्यादा कट ऑफ पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम अगर हम रैंक देखें, लास्ट ईयर एमपी डीएमए की एक पर्टिकुलर मार्क्स पर कितनी रैंक थी और इस साल उसी मार्क्स पर कितने रैंक है, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कितना डिफरेंस है वो भी मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। देखिए आप, तो अगर मैं नीट 2023 की बात करता हूँ तो नीट 2023 में 650 नंबर पर रैंक थी 66। वही अगर हम बात करें नीट 2024 में, तो नीट 2024 में 650 नंबर पर रैंक है 570। तो आप देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस आ गया, 570 मार्क्स पर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लगभग यहाँ पर 500 स्टूडेंट्स का कंपैरिजन, मतलब डिफरेंस आ गया। वही आप देखिए यहाँ पर 600 नंबर के अगर हम बात करते हैं, तो लास्ट ईयर जिसके 600 मार्क्स थे एमपी की स्टेट रैंक थी उसकी 498, इस साल कितनी है 2000। तो आप देखिए एमपी में 600 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स है, 2075 है।
तो इस साल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की जो कट ऑफ है जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 600 से ऊपर ही जाने वाली है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर, बाकी आप देखिए यहाँ पर 550 नंबर थे लास्ट ईयर, उसकी रैंक थी स्टेट मेरिट रैंक कितनी थी 1500, इस साल कितनी है 3875, ठीक है। तो देखिए आप हर नंबर पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा डिफरेंस। आप देखिए यहाँ पर 500 पे लास्ट ईयर 2636 रैंक थी, इस साल 500 पर 5523 है। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस, लगभग 3000 स्टूडेंट्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। फिर आगे आप देखिए 400 नंबर पर, आप देखिए लास्ट ईयर एमपी स्टेट रैंक थी 400 पर कितनी 4864, इस साल कितनी है देखिए आप 8307। तो काफी ज्यादा डिफरेंस है आपको देखिए दिखने को मिल रहा है कि एक मार्क्स पर ही लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ तो हाई जाएगी। तो अगर मैं लास्ट ईयर अगर मैं MPDME के प्राइवेट MBBS कॉलेज की कट ऑफ की बात करूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि MPDME के जो प्राइवेट में मतलब जितने भी प्राइवेट MBBS कॉलेज है MP में, उनकी कट ऑफ मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। तो जिनको स्कॉलरशिप मिल जाती है और मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल जाती है, अगर हम जनरल कैटेगरी को छोड़ दें, जनरल कैटेगरी में भी जिसको मेधावी लगती है उनको मिल जाती है। बाकी OBC SC ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर तीन लगभग स्कॉलरशिप का यहाँ पर फायदा मिलता है उनको। तो किसी न किसी को कोई ना कोई स्कॉलरशिप मिल ही जाती है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या होती है, स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो वो अगर कट ऑफ से ऊपर है, प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, तो वो ले लेते हैं। बाकी जिनको नहीं मिलता है वो फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट BMS या प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर अगर लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की बात करें तो प्राइवेट MBBS कॉलेज जो किस मार्क्स पर एंड हुआ था 465 मार्क्स पर, और रैंक थी कितनी 1,45,438, और स्टेट रैंक कितनी थी 3,472। वही अगर हम OBC की बात करें 464 मार्क्स पर क्लोज हो गया था MP प्राइवेट MBBS का कट ऑफ, तो उस मार्क्स पर स्टेट रैंक कितनी थी 3,478। SC कैटेगरी की बात करें 375 मार्क्स पर क्लोज हुआ था प्राइवेट MBBS, और ये मैं मॉपअप राउंड की बात कर रहा हूँ, इसके बाद स्टेट राउंड भी हुआ था तो मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो लास्ट ईयर प्राइवेट MBBS कॉलेज मिला था SC कैटेगरी वाली कैंडिडेट को कितने मार्क्स पर, 375 मार्क्स पर, और उस मार्क्स पर जो रैंक थी वो कितनी थी 5,291। ST कैटेगरी का मार्क्स कितना था 218, और उस मार्क्स पर जो रैंक था कितना था 8,535, ठीक है। तो अगर मैं इस रैंक पर, अब ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी स्टेट रैंक है, यानी कि आपकी क्या आ गई 2023 की फाइनल कट ऑफ आ गई, फाइनल कट ऑफ आ गई इसकी प्राइवेट MBBS की, ठीक है। तो अब इस साल भी अगर मैं इसी रैंक को लेकर, अगर मैं मानूं कि इसी रैंक पर इस साल क्या मिलेगा, प्राइवेट MBBS कॉलेज मिलेगा, तो इस रैंक पर इस साल क्या नंबर है। अब रैंक को तो हमको पता चल गई कि लगभग इसके आसपास जिसकी स्टेट रैंक है उसको प्राइवेट MBBS कॉलेज मिल सकता है। तो अगर मैं इस रैंक पे अगर मार्क्स देखूं तो कितने मार्क्स है, तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं इस रैंक पर, अब वो जो ऊपर मैंने रैंक निकाली थी नहीं, वो क्या है आपकी प्राइवेट MBBS की फाइनल कट ऑफ है। तो इस साल इस रैंक पर जनरल कैटेगरी का इस रैंक पर जो मार्क्स वो 560 है, लास्ट ईयर इस रैंक पर जो नंबर था वो कितना था 465 था, लेकिन इस साल कितना है 560 है। तो देखिए यहाँ पर टोटल 100 नंबर का डिफरेंस आ गया, मतलब लास्ट ईयर इस रैंक पर 465 मार्क्स थे उसको प्राइवेट MBBS कॉलेज मिल गया था। अगर मैं मान लूं कि इस साल इसी रैंक पर प्राइवेट MBBS कॉलेज मिलेगा, मतलब इसकी इतनी रैंक स्टेट रैंक उसको प्राइवेट MBBS कॉलेज मिल सकता है, तो उसके अगर आप मार्क्स को देखेंगे तो उसके मार्क्स कितने हैं 560 है। मतलब जनरल कैटेगरी का इस साल प्राइवेट MBBS का जो कट ऑफ जा सकता है वो कितने जा सकता है 560 जा सकता है। भाई अगर मैं OBC की बात करूं तो इस रैंक पर 560 है, SC कैटेगरी की बात करें इस रैंक पर मार्क्स कितना है 506, और ST कैटेगरी की बात करें 400, मतलब जनरल कैटेगरी का 560, OBC का 560, SC कैटेगरी का 506, ST कैटेगरी का कितना 400। मतलब ये जो कट ऑफ है ये क्या आ गई, या ये क्या आ गई आपके प्राइवेट MBBS कॉलेजेस की कट ऑफ आ गई 2024 की, मतलब इसके आसपास मार्क्स है तो उनको प्राइवेट MBBS कॉलेज मिल जाएगा। फिर इसके नीचे वाले क्या करेंगे, या तो कुछ लोग ड्रॉप ले लेंगे, ठीक है, या तो कुछ लोग क्या करेंगे एब्रोड चले जाएंगे, या तो कुछ लोग किसी अदर स्टेट में प्राइवेट MBBS कॉलेज में क्या करेंगे
पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। लेकिन वो तो बहुत कम स्टूडेंट रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेगा, वो तो चाहेगा कि यार कट ऑफ बढ़ रही है इस साल और पता नहीं अगले साल क्या होगा, तो इस साल जो भी मिलता है अपन ले लेते हैं। तो क्या करेंगे फिर, आयुष काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे। तो 560 इसके नीचे नीचे बाकी वाले जो स्टूडेंट है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर आयुष काउंसलिंग में भी लास्ट ईयर कितने मैंने आपको बताया था, लगभग 4,700 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। तो इस साल आयुष काउंसलिंग में भी नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। अगर एमपीडीएमयू की बात करते हैं, वहां पर लगभग कितने स्टूडेंट बढ़े थे, 4500। तो अगर मैं आयुष काउंसलिंग की बात करता हूँ, तो आयुष काउंसलिंग में भी इस साल कैंडिडेट लगभग 7000 के आसपास आप मान लो। आयुष काउंसलिंग में भी टोटल कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो 7000-8000 कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस साल, यानी कि यहाँ पर भी नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे। और नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगी, कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम बीएमएस की कट ऑफ की बात करें, 2023 की क्या कट ऑफ रही थी, तो मैंने आपको बोला था कि जो प्राइवेट एमबीबीएस की कट ऑफ, प्राइवेट एमबीबीएस की जो कट ऑफ रहती है, तो उससे कितने कम लास्ट ईयर कॉलेज मिला था गवर्नमेंट। तो अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए यहाँ पर हमने लास्ट ईयर क्या कट ऑफ निकाली थी प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज की, जनरल कैटेगरी की 465। तो जनरल कैटेगरी के जिसके 465 नंबर थे उसको प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया था। उसके बाद बाकी जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने क्या किया, आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। तो जिसके मार्क्स फाइनल अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी के फाइनल कट ऑफ की बात करें 2023 की, जो कट ऑफ थी किसकी, बीएमएस की, वो कितनी थी, 432 थी। यानी कि प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज का जो कट ऑफ था प्राइवेट कॉलेज का, उससे अगर हम देखें कि लास्ट ईयर बीएमएस 2023 कितने मार्क्स पर क्लोज हुआ था जनरल कैटेगरी का, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना मिल रहा है आपको, तो देखिए यहाँ पर 465 प्राइवेट एमबीबीएस की कट ऑफ थी और जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट बीएमएस की जो कट ऑफ थी कितनी थी, 432। तो लगभग यहाँ पर देखें तो 33 नंबर का डिफरेंस आ रहा है प्राइवेट एमबीबीएस और गवर्नमेंट बीएमएस जनरल कैटेगरी की। अगर हम बात करें मार्क्स में डिफरेंस कितना आ रहा है, 33 नंबर का। तो इस साल अगर हम देखें, तो जनरल कैटेगरी का प्राइवेट एमबीबीएस का कट ऑफ कितना जाएगा, 560 जा सकता है, इसके आसपास जा सकता है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर दो, 33 नंबर कम कर दो, तो इस साल प्राइवेट बीएमएस की कट ऑफ कितने रहने वाली है, तो इस साल प्राइवेट बीएमएस की कट ऑफ लगभग 500 रहने वाली है। अब मैंने यहाँ पर तो 30 नंबर का डिफरेंस था लास्ट ईयर, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा और ज़्यादा ले लिया डिफरेंस। तो यहाँ पर लगभग जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ जा सकती है वो कितनी जा सकती है, 500। वैसे मैंने हर कैटेगरी में किया है, कैसे किया है मैंने, लास्ट ईयर जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज जिसको मिला था, ठीक है, और किसी भी कैटेगरी का, तो उस कैटेगरी का जो मार्क्स था उसी कैटेगरी का मैंने लास्ट ईयर गवर्नमेंट बीएमएस किस मार्क्स पर क्लोज हुआ था, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो वही डिफरेंस मैंने इस साल जो निकाला एक्सपेक्टेड प्राइवेट एमबीबीएस का, उससे मैंने कम कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ तो लगभग 495 नंबर, ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ तो अगर आपके मार्क्स 490 के आसपास है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट बीएमएस। एससी कैटेगरी की बात करते हैं 420 और एसटी कैटेगरी की बात करें 330। तो जिसके जनरल में 500 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस में 495, ओबीसी में 490, एससी कैटेगरी कट ऑफ 420 और एसटी कैटेगरी की बात करें 330, ठीक है। अगर मान लो थोड़ी और अगर हम कट ऑफ कम कर लें, अगर मान लो कम कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं तो थोड़ी और कम करेंगे तो कितना, 20 नंबर और कम कर लो। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो लगभग 485 मान लो अगर कम करते हैं, और ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ थर्ड राउंड की, इसके बाद और भी राउंड होते हैं, तो अगर उसको भी लेके मानूं तो आपकी जो एग्जैक्ट कट ऑफ रहेगी लास्ट एकदम फाइनल, तो जनरल कैटेगरी के लगभग ये 480 रह सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो लगभग ये 470 रह सकती है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें ये भी लगभग 470 के आसपास रह सकती है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये 400 हो जाएगा और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 320 के आसपास हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम इस साल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें गवर्नमेंट बीएमएस की, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, लगभग 100 नंबर का हर कैटेगरी में डिफरेंस आ रहा है। और आप सभी को पता है रीजन क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े हैं लास्ट ईयर की कंपैरिजन में, इस साल करीबन एमपी में 5000 स्टूडेंट बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ बढ़ेगी। और सीट कितनी है, सीट तो ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ती, बढ़ेगी तो 200-250 सीट बढ़ती है, इससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सीट 200 है और कैंडिडेट 5000 बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ हाई जाएगी ही। तो ये आपकी एक फाइनल कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। ये मैंने पूरा डाटा को एनालिसिस करके आपके लिए कट ऑफ निकाली है। अब देखते हैं, अब देखो मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, तो लेकिन हाँ इसके आसपास अगर आपके मार्क्स है, इससे थोड़ा 20 नंबर और आप मान लो नीचे,
तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि भैया आप मेरे को बता दीजिए कि मेरे को कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता है, तो मैंने आपके लिए कट ऑफ निकाल ली। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में BHMS के लिए अलग से निकाल दूंगा। यहाँ पर मेरे को आपको बताना था कि इस बार कट ऑफ क्यों हाई जा रही है और मैं किस बेसिस पर आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, तो मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस करके आपको मैंने बता दिया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। साथ ही में अगर आप मेरे से पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आयुर्वेदा विंग्स मेरा एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर मैंने आयुर्वेद काउंसलिंग गाइड करके कोर्स लॉन्च कर रखा है, तो अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो 1000 रुपये फीस है, आपको मैं कंप्लीट गाइड कर दूंगा, आपकी चॉइस फिलिंग कर दूंगा, और आपको बेस्ट से बेस्ट चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, मैं आपकी चॉइस फिलिंग करूंगा, आपको बेस्ट कॉलेज आपको गाइड करूंगा और अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन दिलाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।